कर्म का ही तुम्हारा जो तुमको मिलेगा वही तुम्हारा है, बाकी किसी का मिला हुआ या कोई झूठ वर से या कहीं के वो छल प्रबंध से वो चीज़ तुम्हारी नहीं होगी। मेरा नाम कैलाशन जोशी है, पिताजी का नाम बच्चीराम जोशी है। मैं ग्राम शेड़ो पोस्ट ऑफिस भेटा जिला बागेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला पांडे से शुरू हुई, उसके बाद मैं यहाँ इंटर कॉलेज गरुड़ हुई, उसके बाद इंटर कॉलेज कौसानिया पढ़ा। घर में हमारी आर्थिक पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ से मैं हमारे मित्र हैं दुकानदार उनके यहाँ रानीखेत हल्द्वानी वहाँ सर्विस के लिए गया था, और कुछ दिनों वहाँ सर्विस करने के बाद फिर मेरे को गणेश कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी में रामपुर रोड पर वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई थी। और वहाँ मैं 1966 से 1988 तक वहाँ पर मैंने काम किया, और 88 में जब मेरे पिताजी गुजरे तो उस समय मैं वहाँ से घर को आया, तो उसके बाद मैं अपने रोज़गार में यहीं लग गया, और फिर भाई लोगों ने मेरे को यहाँ से जाने नहीं दिया। हम पांच भाई एक बहन है, और अभी वर्तमान में तीन भाई एक बहन है। अब ये भाई सब जो है व्यापार करते हैं, हमारे भाइयों में कोई कटुता नहीं है, और एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग सहयोग करते हैं। 1988 में मेरे पिताजी गुजरे, फिर उनके अंतिम संस्कार वगैरह में यहाँ आया, और फिर मैं यहीं का यहीं रह गया। भाई लोगों ने मेरे को फिर सर्विस में जाने नहीं दिया उनका। हम सब भाई व्यापार में हैं, एक आप ही बाहर हैं, आप भी इसी में जुड़े रहिए। तो मैं तब से जो है फिर 6 महीने के बाद गया था यहाँ से, हल्द्वानी जब बुलाया मेरे को जहाँ मैं सर्विस करता था, तो उन्होंने कहा आप अपनी नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे को जो है कसम दिलाई है कि आप घर में हमारे साथ रहेंगे, जहाँ रहेंगे हम सब भाई एक साथ रहेंगे और एक साथ रोज़गार करेंगे। सर जो भी चुनौती वगैरह आती है, जो भी कोई परेशानियाँ आती है, तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे ऊपर जो परेशानी आ रही है और मैं इस परेशानी को देखते हुए दूसरों को भी परेशानी आती करके, तो मैं उनके साथ उनका भी सहयोग करूँ। ये भगवान की कृपा, भगवान हमको भी जो है कुछ दुख देगा तो हमको जो है दूसरे का दुख समझने का जो है हमारे मन में भाव आएंगे, ये समझते हुए आगे चलते रहता हूँ। ये संघर्ष जीवन है, इसमें संघर्ष करते रहो, आगे चलना है, पीछे को रुकना नहीं, ये समझ के मैं चलता हूँ। व्यापार में मेरे बच्चे मेरे को पूरा सहयोग होते हैं, और ज़्यादातर काम जो है बच्चे ही करते हैं, मैं खाली सुपरविजन करता हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं। मैं पिताजी मेरे हमेशा कहा करते थे बेटा तू मेरी सेवा जो कर रहा है जरूरत से ज़्यादा कर रहा है, तू इसमें प्रशांत हुआ। मैं पिताजी से कहता था कि पिताजी मैं आपकी सेवा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पुत्र का जो फर्ज होता है वह मैं अदा कर रहा हूँ। माताजी मेरी जो है अभी 2 साल पहले गुजरी हुई है। माताजी मेरे साथ ही रहती थी, उनको जो है मेरे साथ ही सुविधा महसूस होती थी। हाँ पिताजी कहते थे मैं आप कर्म में अपने पीछे मत रहो, काम करते रहो, और कोई किसी प्रकार का जो है झूठ मत बोलो, सच बोलो, कर्म करो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यही माताजी की भी शिक्षा हमारी यही थी, बेटा कर्म करो और दूसरे की मदद करो, और किसी को कोई गरीब वगैरह हो तो उसकी सहायता में कर दो, कोई सार्वजनिक काम हो उसमें सहयोग करने का तुम्हारा काम है। तो यही शिक्षा माताजी के द्वारा मिलती थी। छोटे बचपन में हम रामला देखने आते थे, मेरा बड़ा भाई था वो मेरे को जो है हमेशा यहाँ से देख रेख करके हाथ पकड़ के घर को ले आता था, और हम पांच भाई थे तो एक दूसरे के साथ मिल के जुल के पाँच भाई एक बहन थी मिलजुल के रहते थे। जो भी घर में खाना पीना जो भी होता उसे बाँट चूट के जितना पहुँचता था उसको बाँट चूट के खाते थे। मेरी
श्रीमती जी का योगदान हुआ, वो मैं दुकान पर रहा, वो घर गाँव में गाय है भैंस है उनकी देखरेख में रही और मैंने इधर का किया। और अभी जो है कुछ समय से आप जो है ये एक 7-8 साल से श्रीमती जब उसके पैरों में दर्द रहता है, गठिया वगैरह रहता है, तो तब से अब यही रहती है। हमने गांव में गाय भैंस वगैरह जो है वो भी जो है नहीं रखी है, बेच बात दी, तो पारिवारिक उसमें पूर्ण सहयोग रहा, पूर्ण सहयोग रहता है। मैं सुबह ठीक 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, उठने के बाद अपना फ्रेश होके उसके बाद जो है नहा धो के तब जो है योग में जाता हूँ। यहाँ पर प्राणायाम योग और उसमें 1 घंटे का रामला ग्राउंड में होता है, उसमें 1 घंटा उसमें देता हूँ। उसके बाद आता हूँ तो हाथ पांव धो के नहा दो पहले, तो हाथ पांव धो के फिर देवता पूजा में लगता हूँ, 1-1.5 घंटा मेरा उसमें लगता है। उसके बाद मैं 8 बजे के आसपास अपना नाश्ता वगैरह किया, फिर अपना यहाँ पर दुकान में खोल के रख दिया, कोई काम हुआ तो बच्चों से कर दिया और भी अपने लायक करने का काम हुआ तो कर लिया, फिर दिन भर इसी में रहा। फिर 12-1 बजे जो है भोजन किया, फिर शाम के उठते फिर यहाँ घर में क्या है, दूध दाल सब्जी सुब्जी क्या है क्या नहीं है वो देखा, अपना वो बच्चों को ला के दे दिया, और शाम को फिर बच्चों की देखरेख के लिए वहाँ नीचे वाली दुकान में गया, तो वहाँ पर बच्चों की देखरेख की थोड़ी देर, फिर यहाँ आया, घर में पानी पूनी क्या है, कहाँ आ रहा नहीं आ रहा कैसा है वो देखरेख किया। और बाद में जब सब बच्चे घर में आते तब उस खाना जो है शादी खा के फिर बच्चे अपने अपनी जगहों पर अपने अपने बिस्तरों में चले जाते हैं। ये ऊर्जा मेरे को सर मेरे जो है मेरी पत्नी ठीक ठाक है, मेरी बहुएं ठीक हैं, मेरे नाती है 3 वो ठीक हैं, और मेरे बच्चे जो रोज़गार वगैरह कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उनमें कभी किसी ऐब नहीं है, कोई वो ऐसे बच्चों से जुड़े हुए हैं जो कि समाज में कहीं पर जो है अच्छा काम हो रहा है उसमें सहयोग करने के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर। कल ही मेरा एक बच्चा यहाँ पर कोई धार्मिक वो है अनुष्ठान वगैरह को जो भागवत हो रहा है उसमें था, आज वो दूसरा बच्चा जाएगा उसमें अपने द्वारा शारीरिक मेहनत द्वारा जो भी सहयोग वो करेंगे, और फिर मैं भी जाऊँगा वहाँ पर, मैं भी जो है जो मेरे द्वारा अतरम पुष्प वो होगा मैं वहाँ पर वो भी मैं सहयोग करूँगा। तो यहाँ भी कहीं भी ऐसे धार्मिक कार्यों में सामाजिक कार्यों में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए मन में हमेशा भाव बनाता है। इसी से जो है समाज में इज्जत मिलती है, बच्चों परिवार द्वारा इज्जत मिलती है, तो इससे मेरा जो है मनोबल हमेशा बढ़ते रहता है, कभी कम नहीं होता है। मैं पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, कोई भी कामकाज हो पहले भगवान का नाम लेता हूँ तब मैं आगे चलता हूँ, और भगवान की कृपा से 2 रोटी मेरे को संतोष के साथ मिल जाती हैं। हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होता है, कोई तामसी भोजन नहीं बनता है, और लहसुन प्याज है ये भी कभी हफ्ते में कभी मेरा बर्त हुआ कभी बच्चे का बर्त हुआ तो कभी लहसुन प्याज भी हम हफ्ते में 1-2 दिन ये भी छोड़ देते हैं, और भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं। ट्रैवलिंग मैं यहाँ लोकल में करता हूँ क्योंकि बाहर तो मैं जाता नहीं हूँ, बाहर मेरे को अब ट्रैवलिंग करने में जैसे हल्द्वानी से आगे है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मेरे को भय लगता है। मेरी शौक सर यही है, मैं अधिक से अधिक समाज में लोगों की जो जैसे मैं यहाँ कैंप में है मोतियाबिंद के आँखों के रोग का वो है, आँखों का रोग का जो है कैंप लगाते हैं, आँखों का रोग का कैंप लगाते हैं हम लोग, तो उसमें अधिक से अधिक समय दूँ, अधिक से अधिक अपना जो भी तन मन और धन जो खर्च हो जाए वो उसमें कोई बात नहीं, और ये है या कोई और कैंप है जो भी कैंप लगते हैं उनमें मेरा पूर्ण सहयोग उसमें रहता है, तन मन धन। पहले भी भावना मेरी रहती थी कि मैं किसी को सहयोग करूं, और
मैं जहाँ पर मैं नौकरी करता वहाँ भी सत्संग रहता था, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, हम यस में खाते थे, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, सत्संग हमेशा बना रहता था। और उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ आया तो यहाँ जब दुकान की तो लोगों ने जो है बहुत प्यार दिया, और दुकान में जो दुकान में सामान रखा था उसकी बिक्री में भी लोगों को विश्वास आया। तो हमेशा क्षेत्र के लोगों से सहयोग मिला, और यही मन में भाव आया कि हमने समाज की सेवा में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, समाज में कुछ अपने द्वारा तन मन धन से कुछ सहयोग करना चाहिए। सर मैं समाज के लिए जो है मैं यहाँ पर कैंप लगवाता हूँ, आँख नेत्र रोगियों का कैंप लगवाता हूँ। महीने में दो कैंप, पहले दो लगते थे, अब जो है एक कैंप लगवाता हूँ। उसके अलावा भी कहीं पर कोई और कैंप कहीं पर लगते हैं उसमें भी मैं अपना जो है सहयोग देता हूँ। अब आँखों का कैंप मेरा 2009 से उसमें सहयोग देते हुए आ रहा हूँ, कैंप लगाते हुए आ रहा हूँ। उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हैं और अभी चल ही रहे हैं, तो उसमें अपना तन मन धन से मैं पूर्ण सहयोग देता हूँ। और मन भाव यही रहता है कि मेरे द्वारा लोगों की आँखें खुल जाए, और वही अपनी आँखें खुलने के बराबर मैं समझता हूँ। बचपन में मेरे को एक ने 25 पैसे फीस के लिए कम पड़े, मेरे को 25 पैसे दिए थे, तो आज ही मैं उसको कर्ज को उसको दे नहीं पाया हूँ, लेकिन उसके मन में बसन बल्लभ पंथ उसका नाम था। व्यापार करने के लिए हमको जो है ग्राहक को जो है क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए, अपना प्रॉफिट उसमें न्यूनतम रखना चाहिए, और ग्राहक ले जाए नहीं जाए, ग्राहक को हम जो है क्वालिटी अच्छी दें, ये मन में हमेशा भाव बना रहना चाहिए। हमारी दो जो मैं पहले हार्डवेयर की दुकान है उसका गुडविल हमारा बहुत अच्छा है, तो उसकी गुडविल हमारा दूसरी दुकान को मिला, अब दूसरी दुकान से हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुकान ने अपना गुडविल ऐसा बना दिया है, तो हम लोग जो है जहाँ भी लोगों से जो कुछ कहेंगे लोग हमारा विश्वास करते हैं कि जो ये कहेंगे वो ये सही कहेंगे, किसी प्रकार में छल प्रपंच नहीं होगा। हाँ, ये दो पैसे चार पैसे जो अपना प्रॉफिट ये ले रहे हैं वो ले ही रहे होंगे, बाकी हमें पूरा पूर्ण विश्वास करके पूर्ण विश्वास ग्राहकों हमारा बना रहता है। मेरे को जो है वर्ष 2004 में ये अधिकारी बागेश्वर के द्वारा लोकप्रिय व्यापारी के रूप में मेरे को सम्मानित किया, और राष्ट्रीय सम्मान पत्र महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप से मेरे को सम्मानित 2005 में किया है। मैं किसी जो है दलित जो है आदमी है और गरीब है उन लोगों की सेवा भी करता हूँ, और राष्ट्रीय सम्मान पत्र अम्बेडकर सेवाश्री अवार्ड दिल्ली से वर्ष 2008 में मेरे को दिल्ली में मिला। राजनीति में मेरी भी कोई विशेष रुचि नहीं है, मैं राजनीति में उतना हिस्सा कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ, ये है कि अपना मत एक जगह देना हुआ वो देता हूँ, बाकी राजनीति से उतना वो नहीं रहता हूँ। ना फिल्म देखने का शौक नहीं है मेरे का, कोई धार्मिक गौरव ये है इसमें, या कोई नाटक गौरव इसी में ज़्यादा वो रहता हूँ, बाकी फिल्म गौरव में नहीं देखता हूँ। हाँ, संगीत कीर्तन भजन वगैरह में रहता है। व्यापार में मेरे बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह जो है वो है तालमेल है, और वो मेरे को पूर्ण उससे सहयोग पूरा वो करते हैं कि अपना जो भी करेंगे उसको मेरे से एडवाइस वो लेते हैं। पर आगे सपने यही है कि हम अपने काम को जो है इसी में लगे रहें, ग्राहक की अपने सेवा करें, बात व्यवहार अपना सही रखें, और इसी को देखते हुए जो काम कर रहे हैं इसी को जो है विकास की तरफ ले जाने का मन में भाव यही है।